बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं झींगे के चावल। मुझे नहीं पता बाकी लैंग्वेजेस में से क्या बोलते हैं, लेकिन प्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में और हम जो है वो झींगे बोलते हैं, ठीक है। उसके हम चावल बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने तपीले में ऑयल गर्म कर लिया है। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई डाली है और 2-3 लौंग डाले हैं साबुत, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है ना फ्राई होने देंगे। जैसे ही ये आवाज़ निकालना शुरू करेंगी ना, राई आवाज़ निकालती है जब ऑयल में हम डालते हैं उसे, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ज़ीरा जो है वो कलर चेंज करता है और राई जो है वो जब पकती है तो थोड़ा सा आवाज़ करती है, ठीक है, टक टक जैसी आवाज़ आती है और वो फ्राई हो जाती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे ली थी 3 अदद दरमियानी साइज़ की। अगर आपके पास बड़ी हैं तो 2 ले लें, अगर छोटी हैं तो 4 से 5 अदद ले लें, ठीक है। ये जी राई हमारी जो है वो फ्राई हो रही है। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर देंगे, ठीक है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज हमारी जो है वो ब्राउन कलर की हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं झींगे, इसकी बात कर रही थी मैं, जिसे प्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आज सी फूड बनाने वाले हैं हम लोग, तो थोड़ा डिफरेंट होता है टेस्ट में भी और बनाने में भी। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ऑयल में। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं आलू, ठीक है। आलू मैंने यहाँ पे 4 अदद ले लिए थे, अगर बड़ी साइज़ के आप ले रहे हैं तो 3 ले लें, मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे ताकि आलू भी साथ साथ पक जाए और जो है झींगे भी वो भी हमारे साथ साथ इसके पक जाए, क्योंकि झींगे पकने में थोड़ा टाइम लगाते हैं अगर बड़ी साइज़ के होते हैं। अगर छोटे होते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें पकने। ठीक है, और थोड़ी सी हमने इसमें 1 चम्मच हमने लहसुन ऐड करी थी ताकि झींगे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। झींगे और आलू को हम पकने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेम हमने स्लो कर दिया और उसको ढक दिया ताकि अच्छी तरह से आलू भी पक जाए हमारे और झींगे भी पक जाए। यहाँ पे 1 मिनट तक हमने इसको कुक किया। अब हम डालने जा रहे हैं टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 अदद और ये हम डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाए, ठीक है। अगर फ्राई टमाटर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, बिल्कुल बारीक नहीं चॉप करनी है, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, ठीक है। इसको हम रख देंगे ताकि टमाटर भी साथ हमारे गल जाए और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह से पक। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हमने उसे पका लिया है। टमाटर हमारे गल चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं मसाले। सबसे पहले हमने डाली है इसमें लाल मिर्ची 2 टेबल स्पून। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालें, ठीक है। मैंने झींगे लिए थे 1/2 किलो और चावल लिए हैं 4 कप, ठीक है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और स्पाइसेस के हिसाब से मिर्ची ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है पिसा हुआ, ठीक है। 1 चम्मच भर के डालें या 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, ठीक है। कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इन तमाम मसालों को भून लेंगे अच्छे से। इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन पिसा हुआ धनिया है, ठीक है, और पिसी हुई हरी मिर्चें हैं। लहसुन हमने 2 टेबल स्पून लिया है, धनिया भी हमने पिसा हुआ 2 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चें लिया, ठीक है, जिसको हमने पीस लिया था। पीछे से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, इसको मत जाइएगा, क्योंकि अम्मी खाना पका रही हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और अब्बास मेरे पीछे लटका हुआ है, तो ये आज की सिचुएशन है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो सूप की चम्मच से हमने निकाल दी है, वो डाल दी है 2, ठीक है। आप टेबल स्पून अगर काउंट करेंगे तो ये 3 से 4 टेबल स्पून हो सकता है। तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए,
क्योंकि बर्फ़ से निकले हुए थे, ठीक है, पुदीना भी पिसा हुआ रखा हुआ था, लहसुन भी पीस के रखते हैं तो इसलिए वही निकाल के डाला था, तो वो गल जाए और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हम रख देंगे, आँच को हम थोड़ी सी हल्की कर देंगे ताकि सारे मसाले पक जाए। यहाँ पे हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और तमाम मसाले जो है वो हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं पानी। चावल जितने अपने कप लिए हैं उतने ग्लास आपको पानी के ऐड करने हैं। हमने 4 कप जो है वो चावल के लिए हैं, हम 4 ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। हम लोग इसको सुबह बोलते हैं, दूसरे लोग शायद इसको सोया बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। एक किस्म का हर्ब होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। और एक गट्ठी मैंने ली थी, उसको बारीक चॉप कर दिया था और वो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। इसके बगैर इसका टेस्ट जो है वो समझ आप आता है, तो ये लाजमी डालना है, ठीक है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इसको लाजमी डालना है। अच्छा, ये रेसिपी जो है वो अम्मी की है, मुझे नहीं पकाने आती, ठीक है। और हम लोग जो है वो इसमें कढ़ाई बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, लेकिन अम्मी जो है वो इस तरह के चावल बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, घर वाले बहुत पसंद करते हैं इसको। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं चावल, ठीक है। चावल को हमने 15 मिनट भिगो लिया था, 2-3 बार वॉश करने के बाद आपको भिगो देना है चावल को ताकि वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। चावल डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया था, अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि चावल जो है आपस में चिपके नहीं, ठीक है। इस वजह से हम इसमें सिरका डालेंगे और बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम दम पे रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी जो है वो चावल का खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब मैं रखने लगी हूँ इसको दम पे। अच्छा, दम पे रखते वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़े से नींबू के स्लाइसेस, ठीक है। इससे क्या होगा, अच्छा सा इसमें थोड़ा सा खटास का टेस्ट भी आ जाएगा और जो है ना स्पाइसी तो हमने वैसे भी किया हुआ था, हरी मिर्ची हमने बहुत सी ऐड की हुई थी, ठीक है। तो ये नींबू के स्लाइसेस मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ और इसको हम अब दम पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक आप इसको दम पे रखेंगे, जब तक चावल आपके उभर नहीं जाए, ठीक है, फूल नहीं जाए पूरी तरह से, और उसके बाद बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों की हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।